ऑन माय चैनल कॉमर्स विद मी। आज इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम सेकंड ईयर का ओरिजिनल पेपर बताऊंगी जो 2022 में आया था, ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया था बीकॉम सेकंड ईयर वालों के लिए और 2022 में आया था। पेपर का नाम है मैनेजमेंट, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपकी बुक होगी और उसका पेपर है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था मैनेजमेंट क्या होते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स। ये 12th क्लास के बच्चों को भी ये वाला क्वेश्चन आता है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पेपर आया था, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 2013 में भी 23 में भी सॉरी और मैं आया था। आपको डिसीजन मेकिंग क्या होती है इसके इंपॉर्टेंस आपको बताने हैं। यूनिट नंबर सेकंड में आया था मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करना है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। और मैं आया था आपका ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट क्या होता है आपको इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना था। यूनिट नंबर थर्ड में आपको आया था कौन कौन से बैरियर्स है जो कम्युनिकेशन करते हैं तब प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कम्युनिकेशन होते हैं तब कौन कौन से प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना था। और मैं आया था आपका कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है और कौन कौन से प्रॉब्लम्स है कोऑर्डिनेशन के, ठीक है। ये यूनिट नंबर थर्ड की बात हुई। अब यूनिट नंबर फोर्थ है जिसमें आपका चैप्टर आता है लीडरशिप। लीडरशिप से आपका क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन करना था आपको यूकैरियोटिक स्टाइल क्या होती है और फ्री रेन स्टाइल क्या होती है। और मैं आया था आपका एक्सप्लेन करना था XY थ्योरी और हायरार्की थ्योरी जो आपके क्लास 12th के बेसिस पे ही आए। देखो मैनेजमेंट क्या होता है वो भी 12th के बेसिस पे आया, लीडरशिप क्या होती है ये भी 12th के बेसिस पे आया, ये वाली थ्योरीज भी 12th में है। तो आप देखा जाए तो आपके 12th के बेसिस पे ही ये पेपर आया है, बहुत सिंपल पेपर है। और ये यूनिट नंबर फिफ्थ देख सकते हो आप, कंट्रोल क्या होते हैं इसके टेक्निक्स क्या है, आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो पीपल्स को ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब यूनिट नंबर और में आया था आपका कि व्हाट इज़ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होती है, व्हाट इज़ फीचर्स बताने हैं आपको री इंजीनियरिंग के। तो आपको अगर और क्वेश्चन पेपर चाहिए इनकम टैक्स का, कॉस्ट अकाउंटिंग का, और हुआ आपका EFM का, कॉस्ट का, EFM का हुआ आपका, सारे क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं 2021-2022 के। तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, चेकआउट करिए, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।